नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थूरिया। गुरुवार का दिन शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए किसी दिवाली से कम नहीं रहा। शेयर बाजार ने पिछले कई महीनों की सबसे लंबी छलांग लगाई है। आपको बता दें, गुरुवार को सेंसेक्स में 950 अंकों से भी ज्यादा की तेजी देखी गई है। सुबह जो सेंसेक्स 431 अंकों की बढ़त के साथ 59,358 अंकों पर खुला था, वो शाम होते होते 958 अंक ऊपर चढ़ गया। गुरुवार शाम को सेंसेक्स 59,885.36 अंकों पर बंद हुआ, जो बुधवार को 58,927 अंकों के स्तर पर बंद हुआ था। पूरे दिन के कारोबार में एक वक्त ऐसा भी आया था जब सेंसेक्स ने 59,957 अंकों के उच्चतम स्तर को छू लिया, यानी करीब 1,030 अंकों की तेजी सेंसेक्स में देखी गई। वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स की बढ़त के साथ 176 पॉइंट की तरक्की के साथ 17,823 अंकों पर बंद हुआ। सुबह 124 अंकों की बढ़त के साथ खुला था निफ्टी, लेकिन शाम होते होते 17,823 अंकों के स्तर तक पहुंच गया। आपको बता दें, गुरुवार को रियलिटी सेक्टर में सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली है। निफ्टी रियलिटी करीब 8.66 अंक उछल गया। वहीं निफ्टी बैंक में 2.24% और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 2.28% की तेजी देखी गई है। निफ्टी के तमाम सेक्टर तेजी में रहे, सिर्फ निफ्टी मीडिया में 1.71% की गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स में सबसे ज्यादा तेजी बजाज फिनसर्व में देखने को मिली है, जो करीब 5.15% चढ़ गया। वहीं लार्सन, HDFC, एक्सिस बैंक, SBI, रिलायंस जैसे शेयरों में भी तेजी देखने को मिली है। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है डॉक्टर रेड्डीज लैब को, जो करीब 1.7% टूट गया है। वहीं ITC, नेस्ले, HUL और भारती एयरटेल में भी गुरुवार को गिरावट देखने को मिली है। टाइटन और टेक महिंद्रा में भी गिरावट देखी गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।